लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी आज। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर आज मंथन किया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव पर मंथन किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक है दिल्ली में, गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव पर मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, और लखनऊ से संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है दिल्ली में। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर आज शाम में बड़ी बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की बात करें तो वो दिल्ली में मौजूद है और शाम बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि किस तरह से 80 सीटों पर जीत हासिल हो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी और इसके साथ ही एमएलसी का चुनाव भी 21 मार्च को होना है, तो ऐसे में उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होगी। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें तो 80 सीटों पर जीत का दावा लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यह भी कहा जाता है हमेशा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर आता है, और अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी करती है तो दिल्ली में सरकार बनाने में आसानी होगी। और इसीलिए जो है लगातार उत्तर प्रदेश में भी मंथन चल रहा है। अभी आपने देखा हाल में ही जो चुनाव प्रभारी बनाए गए बैजयंत पांडा, वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी गए थे, लखनऊ में बैठक हुई थी, और खास तौर पर जो हारी हुई सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी मंथन कर रही है, क्योंकि 16 सीटों पर 2019 में हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बाद में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, आजमगढ़ और रामपुर में, जहां पर बीजेपी की जीत हुई थी। अब 14 सीटें बची हुई है हारी हुई, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और उन्हीं हारी हुई सीटों पर लगातार रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। इसीलिए शाम में 4 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे और बड़ी बैठक बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होगी और संभव है कि उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, क्योंकि अभी सुबह के वक्त चुनाव प्रभारियों की बैठक है, सह प्रभारियों की बैठक है पहले, उसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक शाम में शुरू होगी। तो 2024 में किस तरह से 370 सीटों को पार बीजेपी करे, इसको लेकर लगातार रणनीति बन रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है 370 पार जाना चाहिए, 400 प्लस एनडीए को लगातार प्रधानमंत्री कह रहे, तो किस तरह से इस लक्ष्य को हासिल भारतीय जनता पार्टी करेगी उसको लेकर ही लगातार मंथन किया जा रहा है और रणनीति तय की जा रही है। संवाददाता अशर हमारे साथ बने हुए हैं। अशर, देखिये बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिये लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर भी क्या कुछ मंथन किया जा सकता है क्या? देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी है, वहीं अन्य पार्टियां भी तैयारियों में जुटी है, जिसको लेकर आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जो है वो शामिल होंगे। देखिए तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो एमएलसी चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती आई है कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी, और इसको लेकर आज एक बड़ी बैठक है, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से जनता के बीच जाना है और किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करना है, इसको लेकर गृह मंत्री आज दिशा निर्देश देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। देखिए जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, जिसमें कई नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही देखिए समाजवादी पार्टी ने तो अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी ने अभी एक भी सीट जारी नहीं की है, एक भी लिस्ट जारी नहीं की है, इसको लेकर भी चर्चा होगी, उम्मीदवारों के नामों पे चर्चा होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कई ऐसे नेता है और अन्य पार्टियों के कई ऐसे नेता है जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं आरएलडी की बात की जाए तो जयंत चौधरी भी
बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में क्या कुछ सीटों का बंटवारा करना है इसको लेकर भी मंथन होगा, क्योंकि देखिए एनडीए अलायंस जो है वो बड़ा अलायंस है, निषाद पार्टी भी साथ है, सुभाषपा भी साथ है, अपना दल एस भी साथ है, अब तो आरएलडी भी साथ है, तो इसको लेकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण साधने के बाद सीटों का बंटवारा करना है इसको लेकर भी मंशा होगी, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जो है खुद बैठक ले रहे हैं, मुख्यमंत्री शामिल होंगे, और इसी के साथ साथ देखिए उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीटें हैं उस पर भी मंथन होगा, और उस पर भी प्रत्याशियों की चर्चा होगी कि किन प्रत्याशियों को उन सीटों पर उतारा जाए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम जो है वो घोषित किए, चाहे वो बदायूं सीट की बात की जाए या अन्य और सीट है, क्योंकि शिवपाल यादव को बदायूं की जिम्मेदारी दी गई है, और इसी के अलावा समाजवादी पार्टी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई तरह की सीटें दी गई हैं, जिसको लेकर देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं जरूर विचार विमर्श करेगी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सेफ साइड सीटें हैं, इसको लेकर भी किन प्रत्याशी को वहां पर चुनावी मैदान में उतारना है इसको लेकर भी जरूर जो है विचार विमर्श जो है पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी वो करेगी, इसको लेकर देखिए आज बड़ी बैठक की जा रही है, जिसको लेकर एमएलसी चुनाव हो, मंत्रिमंडल विस्तार हो और लोकसभा चुनाव हो या उम्मीदवारों की नामों की घोषणा को लेकर तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी, जिसमें शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां पर भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। ब्लड बैंक ललितपुर में खून